भिंड में कोरोना के बाद पहली बार हो रही हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षा जिले में कड़े पहरों के बीच होगी। यह परीक्षा 17 और 18 फरवरी से होने जा रही है। इसको लेकर भिंड जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पुलिस सतर्क है। भिंड जिले में 60 परीक्षा केंद्र बनाई गई है। जिले में नकल मुक्त एवं शांतिपूर्वक परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए भिंड एसपी ने 25 पुलिस मोबाइल वैन, 300 जवान और ड्रोन की निगरानी में परीक्षाएं कराई जाएंगी। इतना ही नहीं, जो संवेदन और अति संवेदनशील केंद्र है उनके आधार पर वहां पर व्यवस्था की जाएगी। जो परीक्षा केंद्र या परीक्षा से जुड़े नकल माफिया हैं, उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि परीक्षा से पहले छात्र छात्राओं को पढ़ाई में कोई बाधा ना हो, इसके लिए डीजे साउंड इत्यादि ध्वनि यंत्रों पर रोक लगी है। और यदि फिर भी कुछ लोग शादी विवाह अन्य कार्यक्रमों में इनका उपयोग कर रहे हैं तो सूचना मिलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की प्राथमिकता होगी कि शांतिपूर्वक बिना नकल के परीक्षाएं भिंड में संपन्न कराई जाए। जो 60 केंद्र हैं उनमें संवेदनशीलता के आधार पर पुलिस को लगाया, करीब 300 पुलिस वाले वहां पे लगे हुए हैं। इसके साथ साथ जो हम लोगों ने करीब 25 मोबाइल्स भी चलाई हुई हैं जो पूरा क्षेत्र कवर करेंगी, उनके रूट भी निर्धारित किए हुए हैं, कौन कौन से स्कूल्स उनके द्वारा कवर किए जाना है ये भी तय किया हुआ है। इसके साथ साथ जो हम लोग विभिन्न स्कूल हैं उनको हमने चिन्हांकित कर रखा है, जिनमें बाउंड्रीज नहीं है ऐसे स्कूलों को भी हमने चिन्हित कर रखा है। जो ऐसे लोग हैं जिनका पूर्व में इस तरह का रिकॉर्ड है या शोहरत है कि जो इस तरह के मामलों में संलिप्त रहते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करके उन पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जैसी जैसी हम लोगों को सूचना मिलती है, कुछ जगहों पर शादी को लेकर, कुछ अन्य फंक्शंस को लेकर भी जानकारी मिली थी, तो उन पर कार्रवाई की है, उनको बंद भी करवाया है। और अब ये भी हम लोगों ने सभी को बोला है कि उसमें इन पे आने वाले समय में अगर आवश्यकता पड़ी तो FIR वगैरह भी की जाएगी। इसके साथ साथ आप लोगों के माध्यम से भी सभी में ये मैसेज करना चाहेंगे कि अगर कभी किसी को कहीं इस बारे में सूचना मिलती है, कहीं कोई गड़बड़ हो रही है एग्जामिनेशन के समय, चीटिंग वाली कोई बात है, तो आप लोगों के माध्यम से और पुलिस कंट्रोल रूम डायल 100 पे भी वो फोन करके इसकी हमें सूचना दे सकते। भिंड से EMS TV के लिए अमरकांत सिंह की रिपोर्ट। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News App डाउनलोड करें।